पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन रेड्डी ने विविध ज्वलंत मांगों के लिए तहसील कार्यालय के सामने आंदोलन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार का निषेध कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। गांधी चौक से तहसील कार्यालय तक विविध मांगों के लिए मोर्चा निकाला गया। तहसील कार्यालय के सामने उपविभागीय अधिकारी वंदना सौरंगपते व पुलिस निरीक्षक प्रमोद मकेश्वर को ज्ञापन दिया गया। रामटेक विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने में धान का उत्पादन लिया जाता है। इस परिसर को राइस बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसानों पर अन्याय ना हो इसलिए कई ज्वलंत विषय व विभिन्न मांगों के लिए रामटेक विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक डी मल्लिकार्जुन रेड्डी के नेतृत्व में रामटेक तहसील कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया। इस दौरान भाजपा के तालुका अध्यक्ष तथा पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र बंधाटे, जिला परिषद सदस्य कैलाश बरवट्टे, नगर अध्यक्ष दिलीप देशमुख, संजय मुलमुले, नगर सेवक प्रभाकर खेड़कर, रजत गजबिये, तेजपाल सोलंकी, राजेश जायसवाल, गोपी कोल्लेपरा समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। पांच काम रद्द कर विभाग ने जिल्हाधिकारी महोदयाकडे पत्र पाठवलं। आमचं म्हणणं आहे की सिकर समिती मुख्यमंत्री अध्यक्षतेखाली 2018 मध्ये जे मंजूर झालेले काम खालच्या स्तरावर अधिकारी लोकांना रद्द करता येत नाही। परस्पर यांना विद्यमान आमदार खासदाराला दिशाभूल करून काही काम रद्द करण्याचे प्रयत्न करतात। आणि रामटेक विधानसभा क्षेत्राच्या मागचे दोन वर्षात काही निधी आला नाही, काही तोटके निधी आलाय काही ठिकाणी। त्या पद्धतीनं माननीय मुख्यमंत्री शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे साहेब आहेत, माननीय उद्योग मंत्री सुभाष देसाई साहेब आहेत, माननीय नगरविकास मंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब आहेत आणि माननीय पर्यटन मंत्री हे आदित्य ठाकरे साहेब आहेत। मग पर्यटन विकासला निधी का भेटत का? रामटेक तीर्थक्षेत्र पर्यटन क्षेत्र विकास कामाला मागे पडताय गती? आम्ही मंजूर केलेल्या कामाला निधी का देत नाही राज्य सरकार?